मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, कक्षा तीन के विद्यार्थी हैं जो कि पाठ दो स्वास्थ्य और भोजन पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने लेक्चर एक और लेक्चर दो में आपको पढ़ाया है कि जो भोजन के तत्व हैं, लेक्चर दो में बताया था भोजन के तत्व कौन कौन से होते हैं, बताया था कौन कौन से होते हैं। बच्चों बताइए जल्दी से कौन कौन से होते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और जल। तो हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था, लेक्चर दो में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। बच्चों मैं पहले ही लिख देती हूँ ताकि आपको आराम से समझा सकूँ। अब देखिए ये क्या है, हमारा दूसरा पोषक तत्व है, दूसरा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स। आपको ये लिखना आना चाहिए, इसलिए आप अच्छे से इसको कॉपी में दो तीन बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इसको लिख सकें, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है छोटे बच्चों के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे भोजन का पोषक तत्व है। क्या है, हमारे भोजन का पोषक तत्व है। अब देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी इसके स्रोत क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे भोजन में हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या क्या हैं। चावल, मक्का, आलू, पपीता, केला, सेब तथा गुड़ और चीनी। तो ये चीज़ें बच्चों हमारे भोजन में हमें सम्मिलित करनी चाहिए, यानी हमें ये चीज़ें, छोटे बच्चे हैं, फल वगैरह खूब खाते हैं इसलिए उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर गुड़ और चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे भोजन में, ये चीज़ें जो हैं अगर हम लेते हैं तो हमें अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं तो आप क्या बता सकते हो, चावल, मक्का, आलू, पपीता, केला, सेब, गुड़ तथा चीनी। ये चीज़ें हमें कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं, यानी इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स के लाभ, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे लिए कैसे लाभकारी है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या लाभ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लाभ हैं, कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या है, शरीर को, यानी हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट, यानी हम ये चीज़ें खाते हैं, चावल है, मक्का, आलू, पपीता, मीठे फल, ये चीज़ें, गुड़, चीनी वगैरह, इनसे हमें ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, तीसरी बात जो आती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हानियाँ, यानी हमारे भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पाई जाती है, तो हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं, यानी क्या क्या नुकसान होते हैं। शरीर का, पहला, शरीर का विकास रुक जाता है, यानी हमारे शरीर का क्या होगा, विकास रुक जाता है। बच्चों अगर हम संतुलित भोजन, जैसे कि हमारे भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब सही होता है, अच्छा होता है, तो हमारे शरीर का विकास होता है, हम वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, वृद्धि रुक जाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमें ये चीज़ें खाते रहना चाहिए। फिर शरीर कमज़ोर हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हमारा शरीर कैसा हो जाता है बच्चों, कमज़ोर हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, पतले दुबले होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पाई जाती है। फिर चौथी बात बच्चों आती है, कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता, यानी कोई भी चीज़ भोजन है अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आपको नुकसान करेगा, कम खाते हो तो नुकसान करेगा। इसलिए कहा जाता है कि भोजन जो है बिल्कुल हमें संतुलित, यानी बिल्कुल जितनी भूख है उतना ही लेना चाहिए। संतुलित भोजन ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमें कोई भी चीज़ अधिक नहीं खानी चाहिए और कोई भी चीज़ कम नहीं खानी चाहिए। हमें हमारे भोजन में सभी चीज़ें बराबर लेनी चाहिए,
तो देखिए अगर हम इसको ज़्यादा यानी अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या हानियाँ हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से मोटापा बढ़ जाता है। आपने देखा ना बहुत से लोग मोटे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, वो ज़्यादातर जो वैसी चीज़ें होती हैं बाहर की, मैदा वगैरह ये चीज़ें, तो उससे क्या होता है उनके शरीर में फैट बढ़ जाता है, वो मोटे हो जाते हैं। फिर शरीर में शर्करा यानी कि ज़्यादा मीठी चीज़ें, गुड़ और चीनी ज़्यादा लेने से, ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है, शर्करा यानी डायबिटीज ये बीमारी होती है। शर्करा की मात्रा यानी हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसकी अधिकता से यानी हमारे भोजन में सभी चीज़ें हमें बराबर लेनी चाहिए, हमें लिमिट में ही खानी चाहिए, ना ज़्यादा खानी है और ना ही बिल्कुल कम खानी है। इसलिए हमारा भोजन जो है बच्चों वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। ये जो मैंने बातें बच्चों आपको लिखाई हैं 1, 2, 3 और 4, ये आप अपनी रफ कॉपी में उतार लीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आपको यहीं से करने हैं, आप इनको अपनी रफ कॉपी में उतार के रख लीजिए। हाँ बच्चों देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लिखाए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लाभ क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या हानियाँ हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से क्या हानियाँ हैं, लिख रखे हैं आपने। आपको ये काम रफ कॉपी में उतारना है या फिर आप वीडियो को रोककर स्टॉप करके भी इस काम को देख सकते हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं यहाँ मैंने लिख रखे हैं, देखिए आपके प्रश्न हैं, HW का काम है आज का लेक्चर 3 का काम आपको यहाँ से नोट करना है। आप यहाँ प्रश्न देखिए, मैंने 5 प्रश्न आपको अब तक करा दिए हैं, अब प्रश्न नंबर 6, किस तत्व कमी से शरीर का विकास रुक जाता है, किस तत्व की कमी से विकास रुक जाता है, तो आप लिख सकते हो क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आएगा बच्चों, ये वाला, ये लिख देना, केवल आपको नाम लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। प्रश्न नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताइए, कोई 4। अब आपको देखिए यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखे हुए ना, अब आपको कितने बताने हैं बच्चों, कोई 4, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत चावल, मक्का, आलू, पपीता, केला, सेब, गुड़ और चीनी, तो इनमें से कोई 4 नाम आपको लिखने हैं। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 दिया है, कार्बोहाइड्रेट से क्या लाभ है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ना दूसरा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट से लाभ, ये पूरी लाइन आपको ये प्रश्न नंबर 8 में उतार देनी है। तो आप इसको अपनी पर्यावरण की कॉपी में लिखेंगे, बाकी ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये आपको बार बार अपनी पर्यावरण की कॉपी में नहीं लिखने, इनको रफ कॉपी में लिख लीजिए या आप वीडियो में से देख के भी लिख सकते हैं। तो लाभ क्या है, शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्राप्त होती है। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होने वाली 2 हानियाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से 2 हानियाँ बतानी है। ये देखिए तीसरे पॉइंट पे लिख रखे ना, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कोई 2 हानियाँ, ये दोनों आपको उत्तर में लिखनी है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 10 मैंने यहाँ ऊपर लिखा है बच्चों, ये 9 और ये 10, कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से होने वाली हानियाँ कोई 2 बताइए, आपको 2 ही बतानी है। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से हानियाँ, पहली मोटापा बढ़ जाता है, दूसरी शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपकी 10 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे आपके यहाँ लिखे हुए हैं। यही काम आपको बच्चों अपनी पर्यावरण के HW की कॉपी में करना है, सुंदर राटी में करना है। अब हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।